दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने ईएसआई डिस्पेंसरी में दी जाने वाली करोड़ों रुपए की दवाएं फर्जीवाड़े से बेचने के आरोप में ईएसआईसी डिस्पेंसरी कालकाजी से एक एमबीबीएस डॉक्टर, ईएसआईसी डिस्पेंसरी ओखला और ईएसआईसी डिस्पेंसरी तिगड़ी के दो फार्मासिस्ट समेत कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकारी ईएसआईसी की डिस्पेंसरी की दवाएं चोरी करके उनको मार्केट में बेच रहे एक गैंग का क्राइम ब्रांच की स्टार 1 यूनिट ने भंडाफोड़ किया है। थाना क्राइम ब्रांच ने धारा 409, 420/380, 411/120 बी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। शुरुआती जांच में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। अब गैंग का मास्टरमाइंड डॉक्टर अविनाश सैनी को भी ईएसआईसी डिस्पेंसरी कालकाजी दिल्ली से दबोच लिया गया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान गैंग का मास्टरमाइंड ग्रेटर नोएडा निवासी 41 वर्षीय एमबीबीएस डॉक्टर अविनाश सैनी, कालकाजी निवासी 42 वर्षीय सुमेश राठी, ग्रीनफील्ड कॉलोनी फरीदाबाद निवासी 33 वर्षीय चंद्र प्रकाश, ग्रीनफील्ड कॉलोनी बी ब्लॉक फरीदाबाद निवासी 23 वर्षीय अंकित मिश्रा व लाल कुआ पुल प्रहलादपुर निवासी 40 वर्षीय प्रवीण मंगला के रूप में हुई है। चंद्र प्रकाश से पूछताछ के बाद पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी डॉक्टर अविनाश और सुमेश राठी व अंकित मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। चंद्र प्रकाश ओखला स्थित ईएसआई की डिस्पेंसरी में फार्मासिस्ट है, अविनाश कालकाजी डिस्पेंसरी में एमबीबीएस डॉक्टर है, जबकि अंकित मिश्रा तिगड़ी स्थित डिस्पेंसरी में फार्मासिस्ट है। क्राइम ब्रांच के डीसीपी राजेश देव ने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली कि कुछ लोग सरकारी ईएसआई की डिस्पेंसरी की दवाएं चोरी करके उनको मार्केट में बेच रहे हैं। इसमें डिस्पेंसरी के डॉक्टर व फार्मासिस्ट भी शामिल हैं। सूचना के बाद अपराधियों को दबोचने के लिए एसीपी मनोज दीक्षित की सुपरविजन व क्राइम ब्रांच स्टार 1 इंस्पेक्टर नरेश सोलंकी के नेतृत्व में एसआई कृष्ण कुमार, एसआई चंदन कुमार, हेड कांस्टेबल दीपक, कांस्टेबल सत्यवीर व कांस्टेबल घनश्याम की एक टीम बनाई गई। टीम ने मुखबिरों का जाल बिछाया, सस्पेक्ट लोगों पर सर्विलांस से नजर रखी जाने लगी। आखिरकार टीम की मेहनत रंग लाई। टीम को सूचना मिली कि आरोपी 22 अक्टूबर को बदरपुर इलाके में आने वाले हैं। सूचना के बाद क्राइम ब्रांच टीम ने अपना जाल बिछाया। टीम ने दवाएं बेचते हुए रंगे हाथों चंद्र प्रकाश व प्रवीण मंगला को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से भारी मात्रा में ईएसआई डिस्पेंसरी में इस्तेमाल की जाने वाली लाखों की दवाइयां मिली। सभी दवाइयों पर ईएसआई की मोहर लगी थी। पूछताछ के दौरान आरोपी दवाइयों के बारे में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। पुलिस ने दवाइयों को कब्जे में लेकर ईएसआई डिस्पेंसरी ओखला व ईएसआई डिस्पेंसरी तिगड़ी के स्टॉक रिकॉर्ड से जांच की। आरोपियों से बरामद दवाइयों के बैच और लोट नंबर ओखला व तिगड़ी ईएसआई डिस्पेंसरी के स्टॉक से मेल खा रहे थे। सभी दवाइयां ईएसआई कार्ड धारकों को जारी की हुई दिखाई गई थी। कुछ मामलों में कार्ड धारक डिस्पेंसरी आए ही नहीं थे, लेकिन उनके नाम पर दवाई जारी थी। क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि आरोपी चंद्र प्रकाश व्हाट्सएप पर ईएसआईसी डिस्पेंसरी कालकाजी में कार्यरत एमबीबीएस डॉक्टर अविनाश सैनी के संपर्क में था। क्राइम ब्रांच ने जब दोनों की चैट हिस्ट्री को खंगाला तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ। आरोपी चंद्र प्रकाश के कहने पर डॉक्टर अविनाश सैनी ने डिस्पेंसरी में आए मरीजों को उन दवाइयों का लिखा गया था जिनकी उनको जरूरत ही नहीं थी। फार्मासिस्ट के कहने पर डॉक्टर अविनाश मरीजों के पर्चे पर ऐसी दवाइयां लिख दिया करता था, उन पर खास तरह का निशान लगा दिया जाता था। निशान देखकर मरीजों को वो दवाइयां न देकर उनकी जरूरत भर की ही दवाइयां दी जाती थी। फिर उन दवाइयों को मार्केट में ब्लैक कर दिया जाता था। चंद्र प्रकाश से पूछताछ के बाद पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी डॉक्टर अविनाश और सुमेश राठी व अंकित मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। चंद्र प्रकाश ओखला स्थित ईएसआई की डिस्पेंसरी में फार्मासिस्ट है, अविनाश भी वहीं एमबीबीएस डॉक्टर है, जबकि अंकित मिश्रा तिगड़ी स्थित डिस्पेंसरी में फार्मासिस्ट है। पुलिस की पूछताछ में मास्टरमाइंड अविनाश ने बताया कि वह मूल रूप से दिल्ली का ही रहने वाला है, बाद में वह ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हुआ है। उसने कर्नाटक से एमबीबीएस किया है, इसके बाद से लगातार वो ईएसआई डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। नौकरी के दौरान उसकी मुलाकात चंद्र प्रकाश से हुई जो फार्मासिस्ट था। दोनों ने योजना बनाई कि ईएसआई में आने वाली महंगी दवाइयों को बाजार में बेचने से मोटा मुनाफा हो सकता है। चंद्र प्रकाश, अंकित मिश्रा व अन्यों की मदद से अविनाश लगातार महंगी दवाइयां बेच रहा था। सभी आरोपी वर्ष 2018 से दवाएं चोरी कर रहे। आशंका व्यक्त की जा रही है कि 3 साल के भीतर इन लोगों ने करोड़ों की दवाएं बेच दी हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। सनसनी ऑफ इंडिया नेट। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।